हाय फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के वीडियो में वृषभ राशि के लिए मई 2013 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य महाराज के बारे में। 14 मई तक जो सूर्य महाराज हैं वो मेष राशि में हैं, उसके बाद जो सूर्य महाराज हैं वो चलेंगे वृषभ राशि में। लेकिन 14 मई तक जो सूर्य महाराज हैं वो राशि से बारहवें स्थान में हैं। बारहवें स्थान में सूर्य महाराज का भ्रमण शुभ नहीं है, आंखों की विशेष केयर करनी पड़ेगी। सरकारी कोई कार्य है, गवर्नमेंट का कार्य है, अदरवाइज कोई कोर्ट कचहरी का कार्य है तो उसमें भी ठीक नहीं है। हेल्थ का भी केयर करना पड़ेगा और रिलेशन भी, फादर भी आपको केयर करना पड़ेगा। 23 मई से जो मंगल है वृषभ राशि में चलेंगे, लेकिन 23 मई तक मंगल जो है वो भी बारहवें स्थान में है। चंद्र राशि से बारहवें स्थान में मंगल का भ्रमण भी शुभ नहीं माना जाएगा, खर्च का भ्रमण विशेष ज्यादा रहेगा। बुध जो है वो भी चलते हैं बारहवें स्थान में, बुद्धि उल्टे मार्ग पर चल सकती है। गुरु का भ्रमण शुभ है, गुरु आपके चलते हैं आपकी राशि में, वृषभ राशि में वो शुभ है। शुक्र भी 4 मई से वृषभ राशि में चलेंगे, वो भी शुभ है। शनि और राहु तुला राशि में चल रहे हैं छठे स्थान में, जो कि राजयोग कारक हैं, और केतु चलेंगे बारहवें स्थान में से। मई महीने में आपको डेट्स केयर करना है 8 और 9। 8 और 9 में जो चंद्र है, ये चंद्र जो मेष राशि में रहते हैं, राशि से बारहवें स्थान में चंद्र महाराज का भ्रमण शुभ नहीं है। खास करके आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है उसमें केयर करना है, और डेट्स आपको केयर करना है 26, 27 और 28, जिसके अंदर जो चंद्र है वो धन राशि में रहते हैं। तो धन के जो चंद्र हैं वो आपके राशि से अष्टम स्थान के चंद्र होते हैं। अष्टम स्थान के चंद्र के अंदर आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है, और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में केयर करना है। देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।